प्रेगनेंसी केसेस के अंदर हमें स्पेशली ये ध्यान रखना होता है इन 7 मंथ कि पाँव पे प्रेशर नहीं बढ़े और उसकी जो स्वेलिंग है वो नहीं बढ़नी चाहिए। पेन आना प्रेगनेंसी के अंदर बहुत ही कॉमन सिंड्रोम है, तो मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ जिससे आप वो पेन को हटा सकते हैं। आइए, सबसे पहले आपको जमीन पे या बेड पे सीधा लेटना है। सीधा लेटने के बाद आपको अपने पाँव के नीचे पिलो या कुछ प्लेसमेंट के लिए कुछ बॉल रखना है। तो आपको उस तरीके से रखते हुए सबसे पहले आप सीधा लेट जाएं। सीधा लेटने के बाद आप अपने लेग्स को इस तरीके से बैंड करें। बैंड करने के बाद उसके नीचे इस तरीके से कुछ बॉल या पिलोज का प्लेसमेंट ले लें। पिलोज प्लेसमेंट लेने के बाद उसकी एंकल टो मूवमेंट एक्सरसाइजेस स्टार्ट करें। दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज विच यू हैव टू नो दैट ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे स्वेलिंग और पेन कम होता है विदाउट वॉकिंग। इससे कार्डियक एक्टिविटी भी बनी रहती है और पेन कम रहता है। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज विच यू हैव टू फॉलो दैट इज काफ स्ट्रेच। इजीली प्रेगनेंसी केसेस में बहुत लेग ब्रॉड करके आपको सपोर्ट के साथ बैठना है। सपोर्ट के साथ बैठ के अपने पंजे को अपने सर की तरफ वॉल की तरफ खींच कर धीरे 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 हाथों से धक्का देते हुए ऐसे आगे जाना है। आप यही एक्सरसाइज विद द हेल्प ऑफ टॉवल या किसी के साथ ले सकते हैं। अगर आपको टमी बीच में डिस्टर्ब हो रहा है, टमी टक के कारण आप वो नहीं कर पा रहे हैं, तो यही एक्सरसाइज आप खड़े होकर भी कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए यू हैव टू नो कि खड़े होकर हमें काफ का स्ट्रेच कैसे लिया जा सकता है। तो विद द हेल्प ऑफ वॉल वॉल के अगेंस्ट जाकर एक पाँव पीछे और एक पाँव आगे करके लेफ्ट लेग को आगे करते हुए हल्का सा बेंड, राइट लेग की एड़ी को जमीन पर लगा के और आप हल्का सा दीवार की तरफ जाएंगे और काफ का स्ट्रेच हो रहा है। सेम लाइक दैट रिपीट करेंगे ऑपोजिट लेग, राइट नी बेंड, लेफ्ट लेग स्ट्रेट और हल्का सा बॉल की तरफ। ये स्ट्रेच आपको होल्ड करना है 10 सेकेंड। स्ट्रेच को होल्ड करके रिपीट करना है 10 10 बार और ये सारी एक्सरसाइजेस करके आप अपने बैक पेन को और लेग पेन को कम कर सकते हैं।